क्या होता है किस करना। कोई भी चीज हमें पसंद आती है तो हम उसे किस करते हैं। किस करने से एक स्पेशल अटैचमेंट सी फील होती है। जब आप किसी खास इंसान से किस करते हैं तो तब आपका मन अचानक से हल्का हो जाता है, चाहे आप अंदर से कितने ही दुखी क्यों ना हो, और आपको अचानक से बहुत अच्छा फील होने लगता है। किस सिर्फ इंसान ही नहीं करते, बल्कि जानवर भी प्यार दिखाने के लिए अलग अलग तरीकों से अपने पोटेंशियल मेट को किस करते हैं। जैसा कि कुत्ते अपने मेट को अफेक्शन दिखाने के लिए सूंघते हैं और उन्हें अपनी जीभ से चाटते हैं, और इसी तरह हाथी अपने मेट को अफेक्शन दिखाने के लिए अपनी सूंड दूसरे हाथी के मुंह में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस करना चलन में आया कैसे, मतलब इंसान को कैसे पता चला कि इस तरह किस किया जाता है। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को मुंह से खाना चबा चबा कर खिलाती है। बिल्कुल इसी तरह पिछली सदियों में माएं अपने बच्चों को अपने मुंह से खाना चबा चबा कर खिलाती थी। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि छोटे बच्चों के दांत तो होते नहीं थे, और वही खाना जब माँ अपने मुंह से चबा चबा कर खिलाती थी तो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता था। ठीक इन्हीं कुछ चीजों से किस करना इवॉल्व हुआ। किस करने से आपकी बॉडी में तकरीबन 3 कैलोरीज बर्न होते हैं, और इसके साथ हमारा दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है। किस करते समय हमारे होंठों की सेंसिटिविटी की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स का एक कॉकटेल रिलीज होता है। ये किस कॉकटेल 3 केमिकल से मिलकर बनता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल्स हमारे ब्रेन को रोशन कर देते हैं, और इन केमिकल्स का नशा उतना ही होता है जितना हेरोइन या फिर कोकेन का नशा करने पर होता है। और इसकी फीलिंग से ऐसा लगता है जैसे हमें किसी से प्यार हो गया है। और इस बात का तो आप सभी को पता होगा कि जो आदमी हमारे दिल के करीब होता है उसे हम किस जरूर करते हैं।